हेलो जी, नमस्कार। मैं मन्नू राठी, आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। आपको पीछे दिखाई दे रहा है एक केवीएस का नोटिस। नोटिस है ये आपका मेमोरेंडम। किस चीज़ का मेमोरेंडम है? देखिए, केवीएस में अगर हम कहें बात, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में, ये है आपकी प्रमोशन, जो कि आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। अब ये LDCE एग्जामिनेशन कहलाता है, जो कि KVS ने 2022 में कंडक्ट करे थे। ठीक है, जब आपकी फ्रेशर्स वालों की PRT, TGT, PGT के इनके पद आए, उससे पहले ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए थे। इनका सिलेबस भी सेम लगभग वही था जो कि KVS ने फिर जो फ्रेशर रिक्रूटमेंट का एग्जाम लिया था उन जैसा ही था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, बात ये है कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 में जो हुआ फॉर द पोस्ट ऑफ PRT टू TGT फॉर द ईयर 2019-2023, यानी 2019-2023 के जो प्राथमिक शिक्षक थे वो इस लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में बैठे थे। ठीक है, उनमें से जो पास हो गए वो आपके TGT प्रमोट हो गए। अब यहाँ पर जो रिजर्व पैनल में है, ठीक है, उनके प्रमोशन की लिस्ट आई है कि उनका यहाँ से इस केवी में काम कर रहे हैं, इस वाले केवी में वो पोस्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये उनकी रिजर्व पैनल वालों की लिस्ट है। देखिए, ऐसा रहता है कि सरकार भी क्या करती है, एक आपका केवीएस में पॉलिसी है कि वहाँ लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से प्रमोशन होता है। वहाँ आपका DSSSB में, जैसे PRT से अगर आप TGT जाते हैं, चाहे वो MCD में हो, तो इतना टाइम होता है कि 5 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। DOAE में भी फिर भाई हर साल वैकेंसी आती है और TGT की, और उसके हिसाब से अगर वहाँ पर आपका DOAE की 25% सीट होती है, MCD की 75 होती हैं, उस हिसाब से वहाँ पे बिना एग्ज़ाम के आप सीधा TGT प्रमोट होते हो, अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन BEd वगैरह होती है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, KVS में पेपर के थ्रू ही प्रमोट होते हैं। ये एक पेपर था, ये पेपर 2022 में हुआ था। इसमें देखिए, इस बैच के बच्चे बैठे थे 2019-23, और ये हर साल पेपर तो लेते नहीं, एक साल ले लेते हैं, ठीक है, इतने सालों का, और उसके बाद प्रमोशन मारते हैं देकर। तो अब देखिए, बात यह है कि रिजर्व पैनल वाले, यानी कि प्रमोशन हो चुके हैं जो इन्होंने ये पेपर क्वालिफाई किया था, मगर कुछ रिजर्व पैनल में जो सीटें खाली रह गई। अब सीटें खाली क्यों रह जाती हैं, देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ मामला। सीटें आपका LDCE एग्जाम की, ये क्या आई है आपकी रिजर्व पैनल की लिस्ट। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि आपका क्या रहता है, कुछ जो होते हैं कैंडिडेट, चाहे PRT टू TGT हो, TGT टू PGT हो, कई जो होते हैं ये डिनाई कर देते हैं प्रमोशन, ठीक, नहीं ज्वाइन करते। कुछ जो होते हैं आपके, उनकी CR रिपोर्ट जो होती है, यानी कि आपकी जो हर साल अपार होती है, ठीक है, अगर उसमें कुछ कमियां होती है, ठीक है, तो क्या पता वो जो है किसी के में कमियां रही हो, इसलिए अब रिजर्व पैनल से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके उनका प्रमोशन किया जा रहा है। और तीसरा ये रहता है कि भाई, कई बार जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई PRT KVS में लगा हुआ है, उसने क्या किया, डायरेक्ट जो है TGT का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, उसने डायरेक्ट TGT का ज्वाइन कर लिया, या कोई PGT का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है, या फिर कोई आपका PRT था KVS में, या आपका TGT था, उसने क्या किया, उसने अपने स्टेट की कोई जॉब का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब टीचिंग वाली हो, ठीक है, या फिर कोई और जॉब, और वहाँ पर वैकेंसी जो है फिर खाली हो गई। ठीक है, अब बात ये हो गई, अगर हमारी वहाँ पर वैकेंसी खाली हुई है, ठीक है, प्रमोशन नहीं ले रहे, अपार सही नहीं है, ठीक है, छोड़ दी नौकरी, ठीक, KVS की, तो अब देखिए LDCE एग्ज़ाम में जो रिजर्व पैनल में जो टीचर्स थे उनको मौका दिया गया है कि भाई तुम हो जाओ प्रमोट। अब कोई प्रमोट होगा, आप सिंपल सा समझिए, PRT से कोई TGT प्रमोट होगा तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी ना, क्रिएट होगी बिल्कुल। TGT से PGT प्रमोट होगा तो यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है, और अगर वैकेंसी क्रिएट होगी तो भाई वहाँ पर फिर क्या होगा, आपका फ्रेश रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी किया जाएगा। KVS में अभी पेपर लिया गया था, ठीक है, जिसकी ज्वाइनिंग भी हो गई, मगर वेटिंग लिस्ट, उन फ्रेश ज्वाइनर जो थी उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी, और सुनने में आ रहा है अभी भी कि आ जाएगी, मगर उम्मीद का दामन दामे बैठे हैं बच्चे, क्या पता फ्रेश रिक्रूटमेंट आए। अब देखिए, वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ये एक अच्छी बात है कि अगर ये प्रमोशन लेते हैं भैया तो बढ़िया ही है कि वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपका PRT से TGT जाते हैं तो PRT की वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। अगर भाई आगे अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसे ही आपका TGT तो PGT का भी आ रखा है,
तो उनकी भी वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस तरीके से दोनों स्तर पर आपकी वैकेंसी क्रिएट हो रही हैं अगर ये रिजर्व पैनल के टीचर्स प्रमोशन ले लेते हैं तो। ठीक, वैकेंसी क्रिएट होगी तो केवीएस में टीचर्स की ज़रूरत बढ़ेगी, ज़रूरत होगी तो भाई ज़रूरत जो है वो आपकी आवश्यकता की जननी है, ज़रूरत होगी तो केवीएस ज़रूर एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, तो केवीएस की भर्ती भी आपको आगे आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो मनु राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट लिख दीजिए। केवीएस को लेकर और सटीक जानकारी हमने पिछली बार बहुत बेहतरीन तरीके से पैडागॉजी वाले जो यूनिट्स थी उनको बहुत अच्छी तरह कराया था, पेपर में बहुत सवाल आए थे, तो केवीएस को लेकर हम फिर काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि हम रोज़गार की बात करेंगे। थैंक यू।